अग्नि, अरे भाई क्या हुआ? हेलो, तुमसे बात कर रहा हूँ। एक सेकंड, इधर दो। नहीं, क्या क्या प्रॉब्लम है? मंदिर में गुंडे आए तो मेरी क्या गलती है? एक तो गुंडों को तुमने मारा, तो नाराज मुझे होना चाहिए, मुंह मुझे फुलाना चाहिए, तुमने क्यों मुंह फुलाया भाई? हाँ, आपके ऊपर तो इतना गुस्सा आ रहा है कि मन कर रहा है कि आपको फुला के ना फोड़ दे। अब बोलोगी क्या प्रॉब्लम है? हम पूछते हैं कि क्या बिगड़ जाता अगर आप जन्मे ना लेते तो? आप इस धरती पर अवतरित हुए हैं बकलोलों का संख्या में वृद्धि करने के लिए, समझे? और कुछ नहीं। बाबूजी, आप काहे इतना गुस्सा कर रहे हैं? क्या हो गया? ये देखिए, कोर्ट का नोटिस है, हमरे ऊपर धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। वकील हमारे मना करने पे भी केस लड़ रहा है। कोई विकराल सिंह के खिलाफ मुकदमा लड़ कैसे सकता है, ये चिंता का विषय है। बाबूजी, आप शांत हो जाइए, हम जाके ना उस वकील से बात करेंगे। उस वकील ने ना आप पे मुकदमा करके अपनी कुंडली में राहु केतु बिठा लिया। हमको ना बेटा जी, आपसे यही उम्मीद था। सवास। ये क्या हुआ? आपके कपड़े पे क्या लगा है? हाँ, ये तो हम बातचीत के चक्कर में ठकुराएं तो। बेटा जी, क्या बात है भाई? कुछ नहीं बाबूजी, वो मंदिर में ना कुछ गुंडा लोग हम पे अटैक कर दिए थे। लेकिन अटैक कर दिया था? अरे सब हम क्या सुन रहे हैं जी? अरे किसका हिमाकत है भाई जो विकराल सिंह का बेटा जी और दामाद पर साला अटैक कर देगा? नारद जी, जी बाबू। साइड हटिए आप, फोन लगाओ। साला बिहार से झारखंड और नेपाल तक फोन लगाओ और पता करो कि इसके पीछे कौन है। जी बाबू जी, हम अभी पता करें। सुनिए, फुसफुसाइए मत, पता कीजिए कि नागेश्वर शिव मंदिर पर हमला करने में किसका हाथ है। उसके साथ में क्या करना है तो बताने का जरूरत नहीं ना है आपको। और सुनिए, माखन सिंह को जाकर कहिए कि हमसे आकर के मिलेगा। ठीक है बाबूजी। कौन है? अरे बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए, आपको वहां जाने की कोई जरूरत नहीं। आई थिंक उन लोगों को कुछ कंफ्यूजन हुई थी, उनका निशाना कोई और था, लेकिन हम खामखा बीच में फंस गए। लेकिन बाबूजी, एक बात है, रागिनी थी ना, उसने सब कुछ एकदम अच्छे संभाल लिया था। आपका बात सही हो सकता है दामाद बाबू, लेकिन ये मामला में ना हम कोनो रिस्क नहीं ले सकते हैं। का पता कोई हमारा पुराना दुश्मन साला फन उठाने का कोशिश कर रहा हो। मंत्री पैसा पे पकड़ रखना ना ठीक बात है, लेकिन कुर्सी का पकड़ ढीला नहीं होना चाहिए। समझदार के लिए सारा काफी होता है। अम्मा जी, हमें ना बहुत जोर का भूख लगा है। हम खाली पेट पूजा पाठ भी कर लिए, मुक्का लात भी कर लिए, अब हमें खाना चाहिए। ठीक है, आप दोनों कपड़े बदल लो, हम खाना लगाते हैं। जी अम्मा जी, जल्दी। देखिए ना कितनी कमजोर लग रही है, कुछ खा लो। अरे हमें कपड़ा सपड़ा नहीं बदलना है, हमारे पेट में जो चूहा है ना वो आत्महत्या करने पे उतर आया, हमें खाना चाहिए। शादी हो गई है तुम्हारी, पर तुम्हारी अकल नहीं बड़ी। चलो पता नहीं सृष्टि ने क्या इस घोंचू में देख लिया, हमेशा मेरे और सृष्टि के बीच में आ जाता है, लेकिन अब ज्यादा दिन तक ये सब नहीं चलेगा। विष्णु जी, आपका घर आ गया। विष्णु जी, चलिए आइए। सृष्टि जी, आप हमारे साथ घर नहीं चलेंगी? आप सारी बातें जानते हैं ना, फिर ऐसा क्यों कह रहे हैं जिसके जवाब में हमें ना बोलना पड़े? सृष्टि जी, हमको पता है आप बहुत बिजी हैं, आप हमसे रोज रोज नहीं मिल सकती, लेकिन सृष्टि जी, क्या आप हमारी एक रिक्वेस्ट मानेंगी? बताइए। प्लीज मना मत कीजिएगा।
हम ना आपसे ना हर रोज बात करना चाहते हैं, दिन में एक बार, वो भी सिर्फ 2 मिनट के लिए। सृष्टि जी, वो कहा है ना कि हम आपसे दिन में एक बार बात कर लेते हैं ना तो हमारा सारा दिन अच्छा जाता है। हम ऐसे नहीं मानेंगे, हमको वादा कीजिए। हम वादा करते हैं। थैंक यू सृष्टि जी। थैंक यू सृष्टि जी, आपको नहीं पता आपने हमको क्या दे दिया है। हम चलते हैं। बाय सृष्टि जी। फुआ, ये घर का तो भाग खुल गया है? ये देखो कौन आया है। कानून की देवी आई हैं। हाय बाप, कानून के देवता भी आए हैं। तो भल हो भगवान का कि बड़की भौजी नहीं आई है। आज एक न एक कानून तो जरूर है टूटता। कानून टूटे चाहे ना टूटे, कुछ लोगों का गुरूर है वो टूटना बहुत जरूरी है दुलारिया। ये बात तुम एकदम ही ठीक कही हो फुआ। विशु जी, आप अपना ख्याल रखिएगा और दवाई टाइम पर खाइएगा। हम चलते हैं। विशु बेटा, ये सब कहाँ हुआ है? कहीं गिर गए थे का? ए फुआ, अकेले विशु बाबू नहीं गिरे हैं। महारानी जी भी गिरी हैं। यो देखो फुआ, बाप, ये फुआ करंटो मारती है। हमको तो लगता है कुछ गड़बड़ हुआ है फुआ। दो चिट्टे वाली दीदी, कुछ गड़बड़ नहीं, बहुत ही बड़ा वाला गड़बड़ हुआ है। वो क्या हुआ ना कि हम मंदिर गए थे ना तो हुआ ना गुंडा लोग आ गया था हमको मारने के लिए। से अरे यह डर था हमको कि जहां जहां महारानी होती है ना वहां कोई ना कोई कांड तो होता ही है। कहते हैं ना, जहां जाए भूला रानी वहां पड़े पत्थर पानी। माँ, आप सृष्टि जी को कुछ मत कहिए। जो कुछ हुआ है उसमें सृष्टि जी की कोई गलती नहीं है। माँ, हमको और सृष्टि जी को बहुत ही मजा आया मेले में जाकर, है ना सृष्टि जी? सृष्टि चले। बाय सृष्टि जी। आज अगर मेरा प्लान कामयाब हो गया होता तो इस घर में हाय बाय की जगह ना मातम हो रहा होता। मातम। अब चलो अंदर। ससुरा भूख लगने पर ना ये दाल चावल पे एकदम 56 भोग की तरह लगता है। बहुत भूख लग रहा है हमें। मजा आ गया। अरे खाना खा रही हो, खाने से दुश्मन निकाल रही हो। ऐसे खाओगी ना तो बदहजमी हो जाएगी। खाने से हमें कुछ होना हो लेकिन जो आप हमारे खाने पे नजर लगा रहे हैं ना उससे जरूर कुछ गड़बड़ आ जाएगा। अरे अम्मा जी, खाना लाइए ना अपने प्यारे दामाद जी के लिए। अरे खाने वाने पे कौन नजर लगाएगा, मेरी नजर तो तुम पे। अरे दामाद बाबू, ये लेटर है सील, कौन लगता आपके लिए आया है। एक सेकंड। बाबूजी, ये तो मेरा वर्क ऑर्डर है, मतलब अब मैं काम शुरू कर सकता हूँ, मेरा कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव हो गया।
रागिनी, रागिनी मेरा प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया। अरे रागिनी मेरा प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया, मैं कितना खुश हूँ, सो हैप्पी। यस, अब मैं यहाँ रह के काम कर सकता हूँ। कंग्रेचुलेशन। बाबूजी, अब बस ये काम शुरू होने से पहले मुझे आप सबका आशीर्वाद चाहिए। जीते रहिए। अरे गले लगी है दामाद बाबू, तो बहुत खुशी का बात है, मन प्रसन्न कर दिए आप। भगवान का बहुत बहुत शुक्र है। अरे दामाद बाबू, आप देखिएगा, भोले बाबा का कृपा से ना ऐसा लेटर अब आता ही रहेगा, तो बस शुरुआत है। बैठिए। अरे जानता हूँ बाबूजी, ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है, इसीलिए तो मेरा यहाँ आना इतना इम्पोर्टेंट था। दामाद बाबू, हम कुछ समझे नहीं। मेरा मतलब है कि देखिए ना, यहाँ के मुझे कितना कुछ सीखने को मिला है, मेरी रागिनी का साथ भी मिला है। अब देखिए, मेरा इतना इम्पोर्टेंट काम हो गया, अब मेरा कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव हो गया, एक काम तो अच्छे से हो गया, बस अब दूसरा काम बाकी है। बाबूजी, मैं ना यहीं रह के यू नो आपसे सीखना चाहता हूँ, आपका जो तरीका है ना बिजनेस करने का, मैं वैसे ही ट्रेन होना चाहता हूँ। मिस्टर जी तो ना पूरा पंचवर्षीय योजना बना के आए हैं। मतलब आप जिस तरह से काम करते हैं, I'm really impressed। दामाद बाबू, हम आपका हर तरह से मदद करने को तैयार हैं। और हमको ना बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमारा रुपया पैसा नहीं, हमारा अनुभव लेना चाहते हैं। और जब आप हमसे कुछ सीख जाइएगा ना दामाद बाबू, तो हमारे इस सुपुत्र को भी कुछ सिखा दीजिएगा। वो कहा है ना कि भोले बाबा इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय किए हैं, ये शरीर तो इंसान का पाए है लेकिन बुद्धि वो बैल का मिला है इनको। आप भी ना हमेशा पराग के पीछे पड़ जाते हैं। ठकुराए, शुक्र करो कि हम पीछे पड़े हैं, नहीं तो आपके साहबजादे का जैसा कर्म है ना, एक दिन देखिएगा पूरा जिला पीछे पड़ जाएगा। अरे बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए, हाँ सब ठीक हो जाएगा। अब नारा जी, आप एक सेकंड मेरे साथ आइए ना। आइए ना। सर, अरे आइए ना। अब ये मिस्टर जी कौन सा पत्ता फेंकने वाले हैं? नारद सिंह को का काम निकल आया? मेरी हो, सिर्फ मेरी। तुम्हें कोई और देखता भी है तो मेरे जिस्म में आग लगती है। इस बार तो मेरा प्लान फ्लॉप हो गया, मगर अब मैं किसी को भी अपने रास्ते में नहीं देने दूंगा। लेकिन इस विषय का मैं क्या करूं? अगर इस विषय को मैंने अपने रास्ते से हटा दिया तो जिंदगी भर मैं सृष्टि के दिमाग से विषय को नहीं निकाल पाऊंगा। अगर मुझे सृष्टि को अपना बनाना है तो विषु के इस प्यार को नफरत में बदलना होगा। अरे आप ना एकदम निश्चिंत रहिए, आप जो बोले हैं ना वो काम हो जाएगा, और नहीं भी हुआ ना तो हम करवा के ही मानेंगे। पूछो नहीं, पूछो, चलते हैं। हाँ, खिचड़ी पका रहे हैं आप नारद के साथ? हाँ, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं मतलब? मैं नारद के साथ खिचड़ी पकाने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं। मैं तो तुम्हारे साथ खीर पकाना चाहता हूँ, तो चलो शुरू करें। तो फालतू का बात मत कीजिए हमारे साथ, जो पूछ रहे हैं ना उसका जवाब दीजिए। अरे तुम पूछ भी क्यों रही हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, इनफैक्ट तुम्हें जश्न मनाना चाहिए। तुम्हारे प्यारे मिस्टर जी का कॉन्ट्रैक्ट, पहला कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव हुआ है, वो भी तुम्हारी कॉन्ट्रीब्यूशन की वजह से। तुम्हें तो एकदम अच्छे सेलिब्रेट करना चाहिए।
अंग्रेजी नाटंकी ना अपने लंदन में जाके दिखाइएगा। ससुर इतना जोर से नचा दिया हमें, हमारा माथा घूम गया है। आपका जश्न है ना, आप मनाइए जाके, हमें उससे कोई मतलब नहीं। और आपने ना कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया, हमें नहीं। वो भी कर लूंगा। एक दिन तुम मुझ पर बहुत प्राउड फील करोगे, जैसे अपने बाबूजी पे करती हो। एक बार बस यहां मेरा काम शुरू हो जाए, उसके बाद मैं भी तुम्हारे बाबूजी जैसे इस पूरे शहर में रंग जमाऊंगा, सीना तान के काम करूंगा और दरवाजा बंद करके रोमांस करूंगा। ठीक है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं ऐसा कर सकता हूं? हाँ बोलो। आप ना हमारे बाबूजी जैसा कभी नहीं बन सकते, क्योंकि का है ना कि हमारे बाबूजी जैसा बना नहीं हुआ जाता है। तो तुम्हें क्या लगता है कि मुझ में काबिलियत नहीं है? मिस्टर जी, आप चाहे जितने काबिल हो, लेकिन हमारे भरोसे के काबिल ना कभी नहीं बन सकते। अब तुम एक बार घर चलो, मैं सब कुछ ठीक करूंगा राके। अब मैं बदल गया हूं। मिस्टर जी, यही ना आपका समस्या है कि आप बात बात पे ना बदल जाते। मंदिर में आप कानून की देवी को बचाने के लिए अपनी जान पे खेल गए, और हमारे यहीं वफादारी का बीन बजा रहे हैं आप। रागिनी, ऐसी बातें करना बंद कर। मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूं कि मेरे और सृष्टि के बीच में सब कुछ भी नहीं। सृष्टि मेरे भाई विशु की पत्नी है, दैट्स इट। तुम ऐसी बातों में शक करना बंद करो रागिनी। तो फिर पहले आप ना ऐसा काम करना बंद कीजिए, उसके बाद काबिलियत का बात कीजिए। बड़े आए हमारे बाबूजी जैसा बनेंगे। तुम बस थोड़ा मेरा साथ दो, मैं तुम्हें तुम्हारे बाबूजी जैसा बन के दिखाऊंगा। अरे का वकील, हमारे पास कोर्ट का नोटिस आ गया है और तुम अभी तक सपना ही देख रहा है। रुकवाओ नोटिस, नहीं तो तुम्हारा सांस रुक जाएगा, तू भी बिना नोटिस के। बाबूजी, आप अपना बीपी मत बढ़ाइए, वकील का इलाज तो ना हम करेंगे, उसके बाद कोई भी वकील आपके सामने खड़े होने का ना हिम्मत भी नहीं करेगा। वो तो ठीक है बेटा जी, ये बताइए कि हमारे दामाद बाबू कहाँ है? बाबूजी वो भी सपना ही देख रहे हैं। अरे जीजा जी, आप तो बिल्कुल बाबूजी जैसा लग रहे हैं।